ओम शांति। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। और इसी अच्छे विचार के साथ मुरली जरूर रोज सुनो। मुरली के कुछ एक पॉइंट को धारण करो और ये मुरली के कुछ पॉइंट को धारणा करना भी एक पुरुषार्थ है। बाबा को याद करना है, बाबा का दिन रात हर एक बात में शुक्रिया करते रहो, ये भी पुरुषार्थ है। जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं तो हमें भी बहुत हल्का लगता है और फिर इसी तरीके से हम बाबा की याद करते रहते हैं। ज्ञान सुनिए, औरों को सुनाते रहिए। आप समान बाप समान बनिए और औरों को भी ये श्रीमत दीजिए और सबको सुख का रास्ता दिखाइए। आज 3/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे बाबा ने हम मीठे रूहानी बच्चों से कहा, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर, मीठे मीठे लाडले सिकिलाधे बच्चे। जानते हो सिकिलाधे किसे कहते हैं? कल्प पहले हम बाबा से बिछड़े थे संगम पर, और कल्प बाद अर्थात हम संगम पर ही मिलते हैं। 5000 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ संगम पर परमात्मा से मिलते हैं। जब घनघोर अंधियारी रात हो जाती है, सांझ खत्म हो घन बिल्कुल एकदम दुख भरी रात आती है, तब फिर वो परमात्मा हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला अभी संगम तट पर लगा हुआ है, जिसे ही फिर कहा कुंभ का मेला। यहाँ हम बच्चे परमात्मा के सम्मुख बैठ परमात्मा के महावाक्यों को, परमात्मा के ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकीला धे बच्चे, खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो? सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है कि मैंने माया पति है ना, माया से जीत पाने के लिए उस माया पति का साथ लिया है। सर्व समर्थ उस्ताद जो हमारा सर्वशक्तिमान बेहद का बाप है, तो वो याद रहता है। माया जब आती है कि पीछे हट जाते हो, खुशी रहती है, रहती है ना। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके, ये दलाल है, आधार है, उस तक पहुंचाने का साधन है, रथ है। इस रथ पर वो रथी बन बैठकर सवार होकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान वाच। ब्रह्मा का बाप शिव है, रचेता बाप जरूर मूल वतन वासी ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता, ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा, बच्चे जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचेता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं तो मात पिता भी चाहिए, तो मैं वह माताश पिता गाया जाता है। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगर तो रच नहीं सकते, तो यह ब्रह्मा माता है, परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है, यह तो पिता का रूप हो गया है ना, फीमेल नहीं है ना, फीमेल नहीं है ना, तो पिता का रूप हो गया। माता का रूप चाहिए, यह दादा
ब्रह्मा है। यह बड़ी गुहा रमणीक बातें समझने की है। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। जब लौकिक में भी एक पिता के द्वारा स्थूल लौकिक रचना रची जाती है, तो सब पहले एक पिता दूसरे घर जाकर के एक स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर बच्चे होते हैं। तो कलिकाल में, इस कलयुग में तो बच्चे कोख से ही हों, क्योंकि यहाँ योग बल तो है नहीं, देवी देवता धर्म तो यहाँ होता नहीं, तो बच्चे तो होंगे तो विकार से ही होंगे, या संभव है कि इस संसार में योग से हों। और आपने सुना होगा बहुत ये स्लोगन है कि हम दो हमारे दो, वो असल में यहाँ की बात नहीं है। हम दो हमारे दो अर्थात सतयुग सुख की दुनिया में हम दो हमारे दो, एक बच्चा एक बच्ची। बाबा ने कई बार महावाक्यों में कहा है शिव भगवान उवाच कि वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को छह हैं, किसी को दो, किसी को एक भी नहीं, एक बच्चा एक बच्ची जरूर होंगे, सबको होंगे और योग से होंगे। विकारी दुनिया में विकार से होते हैं, निर्विकारी दुनिया में विकारों से नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं जो हमने रचे हैं ब्राह्मण्स वो कौन है, मुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा, कि शंकराचार्य का बाप कौन, क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने, जैसे परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया है ना, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई, फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। देखिए धर्म स्थापन होने से द्वैत राज्य शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक राज्य रहता है यथा राजा यथा प्रजा होती है, तो वहाँ अनेकानेक धर्म की बात ही नहीं, एक मत एक राज्य, तो वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ये मेरा धर्म है ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरे भगवान है वो उनके भगवान है, ये मेरा गुरु है वो उनका गुरु है। वहाँ कोई गुरु, कोई किसी तरह का शिक्षक, कोई किसी तरह का सतगुरु होता नहीं। देवी देवता का राज्य रहता है, परमात्मा जो पारलौकिक बाप हैं उनको भी याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सुख ही सुख होता है, तो सुख में सुमरन कोई करता नहीं। दुख जैसे ही आने शुरू होते हैं द्वापर से, तो उस परमात्मा की अर्थात पारलौकिक बाप की याद आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, जब हम उसे याद करते हैं और इस संसार में फिर उसके अनेकानेक धर्म स्थापन होते हैं, उसको ना जाने कैसे कैसे तरीके से याद करते, जानता कोई नहीं है कि वो उसका एड्रेस क्या है, नाम फेम कुछ भी नहीं जानते हैं, कैसा दिखता है, जब तक वो ना आए इस संगम पर तब तक ये सब राज खुल ना सके, ये ड्रामा बना हुआ है, इसकी भावी ऐसे ही है। तो परमात्मा कहते हैं जो स्थापन करते हैं राज्य, तो वो कौन होता है, बाबा कहते हैं मुख वंशावली रचते हैं ना आकर के, तो जब वो आते हैं ना, तो आत्मा बाबा कहते हैं धर्म स्थापन करते, तो जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, बाप हर बात समझाते हैं। श्री बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली है, नहीं कह सकते, आत्माएं तो हैं ही हैं। श्री बाबा आते हैं आकर इस प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, श्री बाबा इस मुख द्वारा कहते, सुप्रीम सोल गॉड फादर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो।
ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। इनके द्वारा मैं नई दुनिया की रचना कराता हूँ, तो मैं रचता हुआ ये नई दुनिया के लिए निमित्त है, जो नई दुनिया, तो इनको कहेंगे मास्टर क्रिएटर। वह हो गया बाप, ये क्या क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, स्वर्ग की रचना किस द्वारा, मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पौत्रे पौत्रियां, एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप जिस्म का आधार लेकर साकार में हम बच्चों से बात करते हैं। अब निराकारी दुनिया, अरे निराकारी रूहानी बाप आए कैसे, जरूर उनको शरीर चाहिए, ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। जरा मंथन करना है, हर विचार को बहुत गहन गंभीरता से लेना कि क्या जो हम अभी तक सुनते आए शास्त्रों की बातें, या जो टीवी रामायण में देखते आए, देखो कैसे आधुनिक रामायण बताई हुई है, कैसे शिव पार्वती रोमांस करते हैं, कैसे अजीब अजीब से अधूरे अधूरे से कपड़े पहन करके कैसे उनको भी कैसा डाल दिया है। मूर्तियों में भी आप देखो तो नीचे में ऊपर सिर देवी देवताओं के रहेंगे, नीचे काम वासना में वो देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा हुआ है, तो क्या भगवान ऐसी रचना रचेंगे जो काम विकार क्रोध अहंकार जिसमें होगा, काम वासना होगी, क्या यह सत्य है? आपने देखा शिव का जो सीरियल आता था, उसमें दिखाते हैं कि पार्वती गणपति को, गणेश जी को कहती हैं कि मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर ना आए। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने स्नान के टाइम कुछ एक शरीर को मतलब साफ करने के लिए कुछ एक बेसन या किसका लेप करती हैं, वो मेल से गणपति का मतलब जन्म होता है, या वो बना देते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं तो वो उसमें प्राण हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तो आपको भासना आई होगी कि वहां विकार नहीं होते, है ना, विकार देवी देवताओं के पास नहीं होते। और ये जो देवी देवता का कुल है, उसकी स्थापना स्वयं भगवान करते हैं, तो ऐसी कोई हिंसा वाली या किसी भी प्रकार के विकारों की बात वहां हो ना सके। और कृष्ण को भी आपने देखा, कृष्ण के उसमें दिखाते हैं सीरियल में कि जब वो जेल में होते हैं, तो जेल में माता के गर्भ में एक लाइट चमकती है, और दूसरे की तीसरे दिन ही कृष्ण हो जाते हैं, फिर सुदामा ले जाते हैं, नदी पार करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंस का जो उसके मामा होते हैं वो अष्टपुत्र कहते हैं, उसके द्वारा विनाश होगा या तुम्हारा मरण होगा या जो भी कुछ होगा, इस तरह से जो बातें बताते हैं। तो देखिए, इस रावण राज्य में जब स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं, इस अंधेरी रात में जब वो श्याम बन जाता है सुंदर से, कौन, कृष्ण, तो उसे वापस सुंदर बनाते हैं। फिर जब उनका इस रात्रि में भगवान शिव आते हैं, और कृष्ण को दिन में पैदा होना है ना, दिन अर्थात सतयुग में पैदा होना, सुख की दुनिया में, सत्प्रधान दुनिया में, निर्विकारी दुनिया में कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण का आना तो दिन में है, इसीलिए पहले शिव रात्रि और शिव जयंती, फिर उसके बाद में क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जब आए ना, तब गॉडफादर आए, है ना, तब तो वो फिर आए। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि मैं जो ब्रह्मा बाबा हैं, इनके अंदर में जो आत्मा है वो कृष्ण बनने के लिए पढ़ाई कर रही है, तो ये मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप, और क्या क्रिएट करते हैं बाप, स्वर्ग की रचना किस द्वारा, मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पौत्रे पौत्रियां,
एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे, जरूर उनको शरीर चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं, शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है, इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर वन चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है, जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते क्योंकि वो मेल है। जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा रुक्मणी ऐसे सब कहते हैं, आदि को भगाया अर्थात अपना बनाया। तो ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं जो जिसके मन में आया। देखिए भासना तो आई उनको, है ना, गीत गाने बने और इतनी आरतियां बनी। आरतियों में भी कुछ एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट, जो बाबा हमें राज समझाते हैं वो परफेक्ट बैठती हैं, और इतने सारे गीत बने वो भी परफेक्ट हैं। तो बाबा कहते फिर ऐसे ऐसे नाम डाल दिए हैं, है ना, सत्यनारायण की कथा में सुना दिया, एक कलावती एक कौन सी बती होती है उसमें, हाँ वो रेत के मिट्टी के वो बनाते हैं फिर पूजन करते हैं, ऐसे सब बताते हैं। तो पार्वती को एक तो नहीं होगी कैलाश में बैठ करके, वहाँ तो ये बोलने बताने वाली दुनिया नहीं है ना, तो वहाँ फिर कैसे आएगी। और कोई भी भगवान एक बैल के ऊपर 24 घंटे कैसे बैठ सकता है, कैसे कोई देवी देवता मगरमच्छ और कच्छमच्छ का वो पक्षी आदि पर सवार रह सकते हैं, कैसे चार भुजाओं में तीर आदि रख करके, सुदर्शन चक्र रख करके, शंख आदि रख करके खाना पीना नहीं खाएंगे क्या, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या। आपको कहा जाए कि आप बिल्कुल जब से पैदा हुए तब से आपको एक गाड़ी में बिठा दिया जाए, एक स्कूटर पे एक साइकिल पे, और कहा जाए कि इससे उठना नहीं क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, व्हीकल है, इस व्हीकल से आप उतरना नहीं, तो संभव है। फिर हम कैसे भगवान को कहीं भी कहां जहां मन किया वहां बिठा दिया, ले जाकर चूहे पे सवारी कर दी, चूहा मर नहीं जाएगा, वजन से उतना बड़ा शरीर बैठेगा, मर नहीं जाएगा चूहा, और चूहा भाग नहीं जाएगा। चूहे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, आप कंट्रोल नहीं हो रहे, विकारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, विकारों को छोड़ने में लड़ाइयां हो जाती हैं। माताएं बहनें इतनी बांधेली माताएं हैं, मार खा रही हैं, दुनिया में देखो कैसे छोटी छोटी बच्चियों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, नारी शक्ति को तार तार करा जा रहा है, जहां देखो वहां विकार विकार विकार, वासना वासना वासना, घिन आने लगी है इस वासना से, फिर भी लोग उसी में रत रहते हैं। कोई यदि ज्ञान में चलता है, भक्ति पूजन पाठ कम उम्र में करता है, तो उसके साथी भाई उसका मजाक बनाते हैं कि अभी से इसका तो दिमाग खराब हो गया है, चल यार रंगरलियां मनाते हैं, क्या रखा है जीवन में, ऐश करो, और वो बुद्धि उस तरफ चली भी जाती है। तो अच्छे और बुरे का ये आत्मा को बिल्कुल ही नॉलेज ही नहीं बचा ना, वो भी क्या करे, दुनिया ही ऐसी। तो बाबा कहते हैं फिर क्या क्या डाल दिया, थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें छोटी बहुत थोड़ी, महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते थर्ड वर्ल्ड वार, यह रिहर्सल होती रहेगी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है जो होना है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। अब हम दो हमारे दो की दुनिया आनी है, तो वो हम दो हमारे की दो की दुनिया कब आएगी, जब ये दुनिया जो हम दो और हमारे ना जाने कितने नहीं तो बिल्कुल जीरो ये दुनिया जाए, तब तो फिर वो हम दो हमारे वाली सतयुगी दुनिया आए, योग बल वाली दुनिया आए। तो बाबा कहते हैं फिर नहीं तो मौत नहीं आएगा तो कैसे नई दुनिया आएगी, है ना। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है।
तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है, बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं, तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्व शास्त्र मयी शिरोमणि भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ उनका बैठ कर किताब बनाते हैं। जो राजयोग परमात्मा संगम पर सिखलाते हैं उसका फिर द्वापर में बैठ किताब बनाते हैं, लेकिन उसमें नाम बदली कर देते हैं, बाप और बच्चे की जो बायोग्राफी है एक साथ जोड़ देते हैं, कृष्ण को भगवान कह करके वहाँ रख देते हैं जबकि वो भगवान का बच्चा है। तो बाबा ने उसे बनाया होता है, लेकिन उसको एक तो वो तो द्वापर में, वो तो त्रेता युग में भी कृष्ण नहीं रहते, वहाँ तो राम बन जाते हैं, फिर वो द्वापर में ले जा करके रख दिया उसको, उसमें भी गीता का भगवान कह दिया, तो लोग मूंझ गए हैं। अब अगर कृष्ण ही दुनिया का भगवान होता तो पूरे विश्व में उसे माना जाता ना, लेकिन सिर्फ भारत देश में माना जाता है, बाकी सब जगह एक है गॉडफादर, गॉडफादर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उसका किताब बनाते हैं, हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है, युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है, दिखाते हैं ना कृष्ण जो अर्जुन है वो आत्मा है, फिर उसको मनुष्य रूप में दिखा दिया, रथ पर जो सवार कृष्ण है वो असल में बाबा है और ये ब्रह्मा के तन रूपी रथ में सवार होते हैं और फिर सब आत्माओं का भेद खोलते हैं। तो फिर बाबा कहते फिर वहां मैदान में नॉलेज दी है, लड़ाई युद्ध दिखा दिया है, स्थूल में मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बनाते हैं, तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती, ब्रह्मा भी हैं जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं, कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है, कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं, दुख देना कांटे का काम है, है ना, तीर के समान कहते हैं ना कि मुझे खाना मत दो, लेकिन मुझे ये कड़वी बातें नहीं सहन होती, मुझे दिल में तीर के समान चुभती हैं, मानो मैं क्या कर बैठूं, मुझे ये तीर खाने का इच्छा नहीं है, मुझे भोजन मत दो, लेकिन दो मीठे बोल बोलो, है ना। यहाँ एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमें दुख देते हैं वो परवश आत्माएं हैं, यदि वो दुखी ना हो तो वो दुख कैसे दे, यदि वो सुख से भरपूर हो तो वो सुख ही देंगे, उनके पास दुख है तो वो दुख ही देती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने हिसाब हैं उसी हिसाब से हमारे साथ रिश्ते नाते फ्रेंडशिप जिसकी भी होती वो वैसी ही होती है। तो देखिए यदि आपको जो बात अच्छी नहीं लगती, आपकी आत्मा प्रेम चाहे और दूसरे की आत्मा नफरत चाहे, आपकी आत्मा सुख चाहे दूसरे की आत्मा दुख चाहे, ये तो संभव नहीं है, ये तो असत्य है। तो आप जो चाहते हैं आप वैसा ही सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम क्यों देते हो दुख किसी को, अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलो, आप अपने शब्दों को रिकॉर्ड करके रखो, जब आप किसी से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जब आप किसी के लिए बुरा भला कहते हैं, जो आपको सामने से कोई कहता है तो बुरा लगता है, तो फिर आप अपने भी तो हिसाब देखो कि आपका भी कहा किसी को बुरा लग सकता है। तो बाबा कहते हैं दुख देना तो कांटे का काम है, वह कांटे जड़ है, यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ, फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं, वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी खट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था भी बच्चों को धारण करनी है, सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं, पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके, यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है,
माँ से मिलता नहीं, माँ से वर्षा नहीं मिलता ना, भल ज्ञान समझाते हैं परंतु वर्षा उनसे मिलना है, जिसके पास जाना है उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है, याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला, अल्फ अर्थात अल्लाह ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे ही आप आत्मा का ज्ञान समझ लेते हैं, मैं कौन मेरा कौन का राज समझ लेते हैं, अपनी आत्मा में विकारों से दूरी बना लेते हैं, आप मन सवाचा कर्मणा शुद्ध हो जाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, तो सब कुछ बाप का आपका हो जाता है। नहीं तो फिर आप 50 वर्ष ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन मन सवाचा कर्मणा आप शुद्ध नहीं है, अशुद्ध देह भान है, अशुद्धता है, विचारों में विकल्प है और नीचे निम्न स्तर के विचार हैं, तो आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं नहीं तो सेकंड में मिल जाती है, जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना, आपका ये अलौकिक जन्म है ना, तो यह असल में आपका जन्म है। तो यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, वह तो है सदैव कर्मातीत, उसको बनने की क्या जरूरत, हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं, बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, मुझे तो देवता नहीं कहते, मैं देवताओं से भी ऊपर हूँ, है ना, मनुष्यों से तो देवता ऊपर है, देवताओं से ऊपर मैं हूँ, तो उच्चते उच्च भगवान ही कहेंगे, गाया जाता है, तो मैं वो माता अष्टपिता तुम्हें वो, तो वही माता ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगद अम्बा पड़ा है, शिव बाबा, ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा, यह है मुख वंशावली, इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं, ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके, ब्रह्मा के पास क्या है, कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, ब्रह्मा तो बैगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया, सर्व धर्मानि परित्यज, हम तो आत्मा है, बेहद बाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है, बाबा भी कहते हैं, मेरा यह मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है, बाप कितना मीठा है ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, श्री बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, मीठा 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 ही कहते रहते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, यह बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना, तूफान तो माया के बहुत आएंगे, जो बाबा के बच्चे हैं उनको तो बहुत आएंगे, क्योंकि माया भी उसी से लड़ाई करती है जो उसके लायक हो, है ना, कमजोर से कैसे लड़ेगी, तो बॉक्सिंग में हराना हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही कि सबको हराएगी, अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है, माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा सबसे पहलवान है तो मेल, है ना, वीर हनुमान किसे कहा गया है, जो सबसे पवन सुत कहते हैं ना, जिसको पास उड़ने की कला हो फरिश्ता बन करके, और गदा रखा हुआ है, गदा का मतलब क्या है कि विकारों के ऊपर में वो वजन रखना, ताकि कोई भी विकार उसके वजन से उठ ना सके, है ना, तो फिर उसे स्थूल में हाथ में पकड़ा दिया। बाबा कहते हैं है तो मेल, फिर नंबर वार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत है, जगदीश संजय है, उनको समझाने की टेक्स्ट बहुत अच्छी है, यह मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आदि सब है, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना, भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो,
जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भूं भूं करती रहती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो, बाप के लिए राजा आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो, बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़े ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है, ज्ञान सागर बाप से ज्ञान अपने में लेकर के कहाँ चले गए हो, सतयुगी राज्य करने के लिए। तो कहाँ की बात कहाँ पक्षियों पंछियों से जाकर लगाई है, ओ बाबा। तो तुमको रत्न देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी सागर बैठ दिखाया है। है यह सब सागर ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं, बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे, ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं, ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली, इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं, यह है बुद्धि रूपी झोली। याद से पवित्र बनाते हैं, वर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, नॉलेज भी ब्रह्मचार्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में कौन मुख्य है, ब्रह्मा। सेकेंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती, इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है, यह ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, इनकी मम्मा फिर कौन, यह गुहा बातें अब तुम सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है, तब तो बाबा कहते हैं तब तो कहते हैं गुहा बातें सुनाता रहता हूँ, बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि हो पाते रहेंगे, अभी ये जास्ती बढ़ना है, झाड़ को विस्तार को पाना है, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। बीज एक बार डाल दिया तो जरूर, फिर बाबा ने लिखा भी है कि वो बच्चे भी कहीं ना कहीं से वापस जरूर लौट करके आएंगे, क्योंकि एक ही जगह एक ही ठिकाना है, दूसरा ठिकाना और है नहीं। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीकीला धी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, समर्थ उस्ताद की सुमत, श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए हैं दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं, कैसी भी आत्माएं हो लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसे निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं देंगी। स्लोगन बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते रहो, उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।